तो सभी और कैसे हो आप। आज मेरा थर्ड व्लॉग है जो मैं बना रहा हूँ। सुबह लेट उठा हूँ तो फिर उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिए, फिर अब कपड़े चेंज करके तो अब ये मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ। मुझे शौक है वैसे इन परफ्यूम्स का, तो ये मैं लगा रहा हूँ। तो ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, ये वाला ऊद मूद। और ये मुझे गिफ्ट मिला है, और गिफ्ट मिला था मुझे अपनी खाला से, तो मुझे यही परफ्यूम प्यारे लगते हैं, जो भीनी भीनी जिसकी जो है ना फ्रेगरेंस हो, और ज़्यादा उसकी ज़्यादा सर में दर्द वाली जो है ना फ्रेगरेंस ना उसकी। सो कहने का यही मकसद है। अब तैयार हो रहा था, फिर मैंने कहा अब आप वीडियो में बना लेता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ व्यूअर्स के लिए। तो पिछली जो दो वीडियोस हैं उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट भी हो रही है अब चीज़ों की। सो इम्प्रूवमेंट भी इस तरीके से हो रही है कि पहले जैसे थी उससे दूसरी को बेटर बनाने की कोशिश की है, अब ये तीसरी है। तो अब ये ऐसा ऐसा जो है ना इंशाल्लाह होती रहेगी। बस मेरे एक दफ़ा सेटअप सही हो जाए, मैं अपना सेटअप खुद बना रहा हूँ, लैपटॉप वगैरह लेने की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है वो चीज़ लूँगा, तो मेरा सेटअप अच्छा हो जाएगा। फिर आपको मैं इंशाल्लाह इससे भी बेटर वीडियोस बनाकर दिखाऊंगा। और दूसरा सबसे बढ़ के जो मैं स्किल्स मेरे पास हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ऑनलाइन कमाने के तरीके और भी बहुत से हैं, ज़रूरी नहीं है इस यूट्यूब के ज़रिए से ही कमा सकते हो। वो कोर्सेज़ हैं जो आपको अगर मार्केट में आप जाएंगे ना तो वो आपको 40,000 प्लस का वो कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा इंशाल्लाह। उसके लिए अलग चैनल या ये इसी चैनल के थ्रू जो है ना मैं आपको करके दिखाऊंगा। मेन चीज़ें हैं मेरी, कोई इसमें वो नहीं है कि दूसरों की तरह मैं ये कहूँ कि इतने का मिलेगा, नहीं, फ्री वो चीज़ होगी। मैं आपको लैपटॉप पे परफॉर्म करके उसका प्रैक्टिकल करके ना वो दिखाऊंगा, जिससे मुझे भी फ़ायदा हो रहा है। ऐसा ऐसा कोई भी चीज़ जो है ना इतनी जल्दी वो आपको अर्निंग नहीं देती भाई। दो दिन आप सीखोगे तो अर्निंग नहीं, उसका टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है वो काम। जिस पर आप मेहनत करते हो ना तो, और अल्लाह का करम हो जाए फिर वो काम होता है। जैसे भी है ना स्टार्ट करो, कोई भी है, अच्छा है बुरा है जिसको लगता है, तनकीद भी होगी हर चीज़ होगी, लेकिन अपने काम को जारी रखो। अब मेरा थर्ड व्लॉग है, ठीक है, तो इस थर्ड व्लॉग में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास सोर्सेज इतने नहीं हैं फ़िलहाल। मैं सोर्सेज हों यानी मैंने किसी जगह घूमने जाना हो या किसी जगह मैंने क्या करना है, लिमिटेड मेरे सोर्स हैं, लिमिटेड मेरी चीज़ें हैं इसमें, और उसी में कर रहा हूँ। किसी को हंसी आएगी, कोई तनकीद करेगा, कोई कमेंट्स गलत कर देगा, कुछ नहीं है, जारी रखो, कभी भी उस काम आएंगे, लेकिन मेहनत अपनी जारी रखो। जो कंसिस्टेंसी है ना वो वही होनी चाहिए लाइफ में, करते रहो बस, व्लॉग बनाते रहो। कोई भी चीज़ है वो टास्क जब तक आप खुद नहीं करोगे तो वो नहीं आएगी। अब मेरी एडिटिंग है, इसमें आपको सीखने को मिल रहा है, मुझे खुद सीखने को ये मिल रहा है कि मैं डरता था कैमरे पे आने पे, अब वो नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो रहा है। अब मैं बाहर जब जाऊँगा तो देखूँगा, शॉपकीपर के साथ खड़े होकर उनके साथ बनाऊँगा, ऐसा ऐसा वो जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बूस्ट होगा। दूसरा ये है कि जो हम एडिटिंग इसमें करते हैं, अच्छी है या बुरी है जैसी भी है, वो ऐसे ऐसे इम्प्रूव हो जाएगी कि भाई कैसे करना है हमने। थर्ड ये है कि हमको और चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी उस दौरान, अच्छा ये होता है उसे। तो एक दफ़ा जब सेटअप हो जाएगा मेरा, फिर मैं आपको कंप्लीट इंशाल्लाह जो अल्लाह के फजल से मैं आपको सिखाऊंगा। कोई भी इसमें दोगलापन नहीं है, ना मैं फेक चीज़ या अपना स्क्रिप्टेड काम करता हूँ, नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया, रियल आपको चीज़ें दिखाऊँगा इंशाल्लाह, और उसमें कोई भी नहीं होगा दोगलापन। मैं कैसा, मैं जैसा मैं आपको शो कर दिए, कोई ऐसा ऐसी बात नहीं है। फिर मुझे ये स्किल्स भी आएंगी, कैसे कैमरे को वो करना है, मैंने मूव करना है,
पहला दिन था तो मैंने सीधे एंगल से बनाई वीडियो, तो क्या कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो एंगल सही नहीं बन रहा था। तो अब मुझे ऐसा ऐसा कर रहा और ये समझ आ रही कि ये करना है ये करना है। ठीक है, आईटी में तो जब मैं गया था ना, मेन मोटो तो था डिग्री का, डिग्री मिलेगी उसके बाद आसानी हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि डिग्री जो है ना उसका पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री को कोई नहीं, स्किल्स होने चाहिए आपके पास। हमने स्किल्स उस टाइम नहीं सीखे, हमने ये समझा डिग्री होगी ना तो मिल जाएगी जो आप किसी अच्छी जगह लग जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन किसी अच्छी में, लेकिन वो स्किल नहीं मिले। तो उससे ये नुकसान हुआ है कि आप जस्ट एक जॉब के लिहाज से तो कर सकती हैं, यानी कि स्कूल में या किसी कंपनी में, लेकिन एक अच्छी पोस्ट पे तब तक नहीं लग सकते जब आपके पास स्किल्स नहीं हैं। तो बेसिक स्किल्स होने चाहिए आपके। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह मैं सीख भी रहा हूँ और मैं सिखाऊंगा भी सही। ये देख लें मेरे भाई, अब मैं आपको अपना बकरा शरीफ दिखाऊं। हेलो यार, व्यूवर्स को बोल दो यार सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ये मेरी जो है ना, ये मुर्गी हैं, अब इनको दाना शाना दूंगा अभी तो इंशाल्लाह। फिर आज ज़रा जाना है, आज इसकी घास अभी लेनी है जाकर। ठीक है, बिजली है नहीं, फिर थोड़ी देर बाद जो है ना अपना जनरेटर स्टार्ट करना, जनरेटर स्टार्ट करके तो फिर चलानी है, फिर कुछ देखूंगा परफॉर्म करूँगा। मोबाइल पर मेरी आदत है, मैं कुछ सीखते रहता हूँ। पहले तो यही था ना कि वीडियोस वगैरह देख ली कोई फ़न की, लेकिन अब नहीं, अब जो है ना वो सीखने के लिए कुछ करता रहता हूँ, मोस्टली हो रही है अब परफॉर्म। तो इंशाल्लाह जो जो मैं काम करूँगा आपको भी बताऊँगा किस तरह भी करना है किस तरह नहीं। मैं ठहर के इसका घास लेने जाऊँगा, फिर जनरेटर करूँगा। मम्मी अबू तो गए हुए जॉब पे, अम्मी जी जो है वो स्कूल, अबू मुल्तान, तो फिर जब वो आएंगे तब उसके बाद आज जाना है थोड़ा सा सैर करने दोस्त के साथ, वो भी आप खुद ही खाता रहूँगा साथ साथ अब्दुल कदीर के साथ, तो फिर जाते हैं ना। इनको मैं अपनी मुर्गियों को दाना शाना दे दूँ, तो मैं कहता हूँ दाना एक दफ़ा दे दूँ, फिर चलता हूँ मैं आगे। भाग डंगर यार, ये चार इनको दे दूँ। मैं इसके लूँगा ना अपनी चीज़ें, इसके मोबाइल के लिए ट्राईपॉड वगैरह या माइक वगैरह लूँगा। ऐसा ऐसा चीज़ बढ़ते हैं, एक दिन में कोई भी काम नहीं होता। ये कोई एक सोचे कि मैं बचपन से सीख के आया हूँ, कोई भी कोई काम नहीं है, जो सीख के आते हैं वो ऐसा ऐसा होते हैं। जिसने पहले व्लॉगिंग स्टार्ट की होगी उसे भी नहीं पता होगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा। फिर उसने स्टार्ट की होगी, कैमरे तब थे नहीं इतने ख़ास, अब तो उससे भी ज़्यादा मोबाइल्स में ज़्यादा आ गए हैं, अब तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती दूसरों की। मोबाइल भी मेरा यही है वीवो Y93, तो जैसे भी आ रही है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ साफ़ हो। तो फिर मैंने उनको दाना वो दे दिए फीड उनको मुर्गियों की, अब ठहर के फिर इनको पानी शानी मज़ीद दूंगा। ये भाई खाया खड़ा है सुबह से, इस बकरे शान है। फिर मैं अब इनका खास लेने जाऊँगा। अच्छा, अब मैं ना एक जो है ना ख़ास चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ना डीमोटिवेट करने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह वो आपको कहेंगे कि यार ये है ये आप ये ना करो, इससे ये नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आएगा, कोई और काम करो, ये छोड़ दो। कोई भी चीज़ है ना अगर आप दिल से करते हो ना तो वो अल्लाह ताला उस पर अपना करम ज़रूर करता है। जैसे भी है, अच्छी किसी को लगती है लगे, बुरी लगती है किसी को लगे, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी जारी रखो मेहनत, किसी को बुरा लगे तो लगे, क्या होता है, कोई हमको दे तो नहीं रहा ना अल्लाह के अलावा। तो जो कोई भी अगर इंसान फ्री है या कोई काम कर रहा है, अपने बनाओ व्लॉग्स बनाओ। आने वाला टाइम अभी व्लॉग्स का है, इससे पहले रोस्टिंग का था ना, रोस्टिंग अब कम होती जाएगी, अब व्लॉग्स आ रहे हैं आगे मज़ीद।
और उसकी प्रॉब्लम्स भी थी, जो भी चीज़ बनानी है, चाहे टेक्निकल बनाओ, पढ़ने के लिए बनाओ, कोई भी चीज़, तो उसके लिए जो है ना आपको लगन ही चाहिए। इम्प्रूव जो है ना वो वक्त के साथ होगा, कोई माँ के पेड़ से सीख के नहीं आता, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी माँ के पेड़ से सीख के नहीं आता, आपको मेहनत करनी है तो जैसे भी है दूसरी बातों इग्नोर करो, ठीक है, बस यही बताना था। दूसरा फिर चलते हैं अभी ठहर के, फिर वो भी बनाता हूँ मैं। तो अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे घासलेन हिल पे बाइक पे, तो घास लेके आता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ घास लेने, फिर देखता हूँ, क्योंकि इसके दौरान ना ड्राइविंग के दौरान फिर मोबाइल कवर नहीं होता है, ऐसे कोई उससे कोई हादसा पेश आए उससे बेहतर है थोड़ा सा भाई वहाँ जा कर थोड़ा बना लेता हूँ। अभी फिर जा रहा हूँ, फिर एक हादसे वो हो ना तो वो मसला होता है बहुत ज़्यादा, जब वो आ जाएगा ना अपना ट्राईपॉड फिर इतना नहीं मसला होगा, फिर इशू नहीं होगा। दूसरे लोग साथ भी तो नहीं देते ना, अपने तो अपने जो दोस्त यार भी होते वो भी साथ नहीं देते, वो यही समझते कि यार क्या दूसरों के टाइम वेस्ट करें, तो कुछ नहीं, आगे चल के अल्लाह करेगा आसानी होगी। तो अपना घास तो आज नहीं मिला इस जगह से जो जानवर पसंद नहीं होता, तो किसी और जगह में जाकर अब देखता हूँ अगर वहीं से मिल जाए, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम है। चलो वो खैर वो हो जाएगी, सारा मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। तो अब जा रहा हूँ किसी और जगह देखने, रास्ते में मिलती है तो जाकर बात करता हूँ आपसे। दूध लेता हूँ क्योंकि दूध सुबह आज मिल गया, पहले शाम को मिलता है अक्सर, क्यों तो आज जल्दी मिल गया, तो करता हूँ कुछ वो उठाता हूँ इसकी वो कहाँ है देचकी वगैरह, देचकी देखता हूँ सही है या नहीं, मुझे लगता है बड़ी नहीं है देचकी, कोई क्या करूं फिर, कौन सी चीज़ उठाऊं। सो थोड़ा सा ब्रेक, फिर मैं बताता हूँ आपको। धुलिए नहीं तो आप इसे धुलवाते हैं, आप ही को कहता हूँ तो धो दे, ये लो यार ये धो दो आप, हाँ जी तो वो धो ले तो फिर उसमें दूध डालते हैं, मोबाइल फिर करती है तो फारिग उतर से रिटर्न करनी है, ये जो कमांड रेट है बनी है ये, तो इस वजह मैं जा रहा हूँ उनको वापसी, तो फिर उससे फिर हम चलते हैं घास लेने। तो अब जा रहे हैं घास लेने एक और जगह से, फिर देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, चलते हैं रिटर्न होती है, मैं कहता हूँ सीधा चलते हैं, सीधा जा कर वहाँ से मिलते हैं तो वहाँ से घास लेता हूँ। असल में ना यहाँ का माहौल ऐसा है कि यहाँ पर हर चीज़ है ना वो देखने लग जाते हैं, कोई भी चीज़ है सुकून से हंसी हंसने लग जाती है, वो फिर इग्नोर ही करना पड़ता है, तो जहाँ भी हो कोई भी इग्नोर करो अपने मिला बनाओ। दूसरे मुझे मेरी जो खामियों से ज़्यादा ना मुझे बताओ कि क्या कुछ करना है, मैंने कमेंट्स में बताओ सब चीज़ें, चलते हैं वहाँ पर फिर जाते हैं वहाँ देखते हैं अगर फोन है तो कौन सी जगह है, घास है ऐसे ही वहाँ पर फिर देखते हैं। घास मिल गया हमें तो वो लेकर मैं जा रहा हूँ, घास लेकर अब घर की तरफ या यहीं से मैं हो जाता हूँ सीधा, फिर रिटर्न हो जाऊँगा वहाँ से जहाँ से हूँ। आया बड़ा है इसका, तो अब उसको डाल भी दिए तो खा रहे हैं घास उखा ले करता हूँ फिर।
बकरी के लिए ना अपना वो चना चना वो मैं कर रहा हूँ। ये अब इसे भिगो कर रख देंगे ताकि फिर बाद में शाम को नरम हो जाए, फिर बॉयल भी करेंगे इसको। तो ये रख दो, बाद में देखते हैं फिर। चला लिए, ये देखें आप, ये जनरेटर है, आवाज़ नहीं आ रही होगी अब, तो जनरेटर चला लिया, लाइट भी आ रही होगी अब, देखता हूँ। चलो चल पड़ा, जनरेटर चल गया। सो अब इसके बाद थोड़ी देर बाद काम करेंगे, कुछ ऑनलाइन करना है, अमेज़ॉन वगैरह का वो करते हैं, सब करते हैं, देखते हैं। अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए फिर, तो यार सपोर्ट लाजमी रखो, सपोर्ट करोगे तो चैनल ग्रो होगा, आगे शेयर करो। खामियां हर इंसान में, तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई चीज़ भी है तो उसे टाइम लगता है हर चीज़ ग्रो होने में। यानी अगर एक बच्चा है तो वो डायरेक्ट जो है 19-20 साल का तो नहीं हो जाएगा ना, टाइम लगेगा। तो इसी तरह कोई भी चैनल वो ग्रो होता है तो टाइम लगता है, जब आपका प्यार मिलता है तो इंशाल्लाह होता रहेगा। तो फिर आ जाएंगे नहर वाली साइड, फिर मैं आपको वहाँ के भी सैर करवाऊँगा, दोस्त के साथ जाने वहाँ। हाँ, चिकन पड़ा तो थोड़ा सा, तो मैं उसमें ना नमक मिर्च और हल्का सा घी और पानी डाल के ना उसको आप रख दूँगा, थोड़ी देर बाद वो पक जाएगा। तो ये मैं काम खुद भी कर लेता हूँ, पकाने सिखाने, टिंडा बनाना आ जाता है, हर चीज़ ही बना रही है। देखिए ये इसमें अब सोया साग वाले नमक डाले, आप मिर्च डालूँगा तो मिर्च अब डाल लेता हूँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा भी। तो ये देखिए ये हल्का सा डाल दिया, डाल के तो फिर आगे करता हूँ बनाता हूँ। ये देखिए डाल देते हैं और उसके बाद है ना वो पानी पानी लगा देंगे ताकि ये पक जाए। करते हैं, बिजली है नहीं माशाल्लाह, सुबह से बिजली चली गई है, तो साफ पानी डाल के इसे रखते हैं चूल्हे पे। फिर चलाते हैं हम ये लाइटर और फिर ये तो ये बनाते हैं। अब तो वैसे बिजली नहीं है सुबह की, तो लगता है बैटरी लो हो जाएगी, अब तो बैटरी अब लो हो रही है, तो फिर शाम अब इस पर चार्जिंग पे लगाता हूँ, चार्जिंग पे लगा के फिर शाम को चलते हैं दोस्त के साथ थोड़े से घूमने, फिर मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो दिखा के ना फिर दिखाते हैं, तो फिर जो है ना व्लॉग जो है ना वो कल अपलोड कर दूँगा फिर, या रात के टाइम फिर जाऊँगा ना शाम, थोड़ा सा धूप चुप कम होगी तब जाएंगे दोस्त के साथ, घूमेंगे उसकी वीडियो बनाऊंगा, फिर ये डांस के साथ अटैच करके ना अपलोड कर दूँगा। अब अभी तक लाइट तो नहीं है यहाँ पे, जनरेटर जब चलाया था तो उसकी वो चार्जिंग कर ली है मैंने, तो अब जो है ना ये मेरा डिस्पेंसर है हमारा, ये सही करना था तो उसके लिए मैंने कहा मैं सही कर लूँ। ये हमारी रूटीन होती है मिडिल क्लास लोगों की, हमने कैसे काम कुछ ज़्यादातर हम खुद ही करते हैं, मेजॉरिटी जो है ना हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में, हम खुद ही ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि जो चीज़ ख़राब हो तो हम खुद उसको सही करें,
ताकि और किसी से बचें। तो इस वजह से आप करा, तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ कि ये है। तो यहाँ इसका मसला है इसके उसके टैप्स का जो अंदर है, इसके पानी वाली जो टूटिंग सी बनी है ना, ये ख़राब हुई खड़ी है, ये देखें। तो उसके लिए मैंने ना मैंने कहा चलो मैं वो कर लूँ, खुद ही देख लेता हूँ क्या मसला है। तो इसी वजह से मैंने कहा मैं आप व्यूवर्स को दिखा दूँ कि हमारे जो रूटीन है घर की ये होती है कि हम कोई भी चीज़ मसला तो हम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा। हाँ एक टाइम पे आकर थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करती है, लेकिन ये हमारा सुबह से शाम तक ना ऐसे ही चलता रहता है, कोई ना कोई चीज़ हम करते रहते हैं। तो अभी मैं ये कर लूँ, उसके बाद फिर जो है ना करते हैं। अभी चार्जिंग अभी तक फिल नहीं हो रही, तो फिर देखता हूँ, नहीं तो फिर शाम को मिलते हैं बाहर किसी जगह दोस्तों के साथ, तब बात होगी। फिर बन गया था जो बना रहा था डिस्पेंसर, मसला था वाटर डिस्पेंसर का, तो अब बन गया। अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, खाना खाऊँगा शायद, नहीं तो अभी थोड़ा सा आराम करूँगा, फिर अम्मी आ जाएगी, उसके कुछ देर बाद फिर अब्बू को लेने जाऊँगा। तो अब भी फिर इसके बाद रेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। जो है ना आज बनानी थी वीडियो दोस्त के साथ जाके, लेकिन उसकी आज तबीयत थी ख़राब, तो इस वजह से ना अब जो है ना ब्लॉग करते हैं। अगर कोई होगी तो बीच में मैं आपको दिखाऊँगा। उसकी तबीयत थी आज ख़राब, गैस्ट्रो हो गया था उसको, तो इस वजह से ये देखें, ये मेरा फ्रेंड जो बीमार हुआ है आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिप लग रही है। ये दो डॉक्टर बैठे हैं हमारे साथ, ये भी डॉक्टर है, आज हम मरीज बने हुए हैं, तीनों में से मैं डॉक्टर नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिर ये अब व्लॉग हम ख़त्म करते हैं आज, कल बात होगी इंशाल्लाह।